like a Hellcat. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद हुसैन। कैसे हैं फिर आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप खैरो आफियत से होंगे और मैं भी जो है वो मज़े में हूं। बाकी जो है वो आज की वीडियो जो है बहुत ही यूनिक वीडियो है और कराची पाकिस्तान की जो है ये फ़र्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो है वो आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जो है वो केचवा और जो चारा जो है केचवा जो चारा हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से निकलता है। तो इंशाल्लाह जो है ये हमारी आज की जो है वो वीडियो उसी पे डिपेंड करती है कि जो है किस तरह से जो है ये हमारे चारे वाले भाई जो है केचवा निकालते हैं और आप लोगों को सेल करते हैं दो दरिया पे और चाइना पट्टी वगैरह पे जो है आप लोग जो शिकार करते हैं उस केचवे पे, उस पर कितनी मेहनत होती है और कितनी एफर्ट होती है। तो ये इंशाल्लाह जो है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बाकी इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है आपको एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह, फुल एडवेंचर से भरी हुई वीडियो है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो है बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठानी है आपको। जो है मेरे बैकग्राउंड पे जो है वो पानी दिख रहा होगा, उसके पीछे एक मैंग्रोव के जो है जंगलात दिख रहे होंगे, हमें वहाँ पर जाना है। तो पानी को क्रॉस करना है और क्रॉस बोर्ड में बैठ के नहीं करना, क्रॉस करना है पैदल। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ जो है ये कर रहा हूँ। तो बस आपका काम क्या है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है आपको, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी सजेशन दे दिया करें, क्योंकि जो है उससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलें फिर चलते हैं, फिर केचवा निकाल रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलें अब ये जो खतरों के खिलाड़ी वाला हम आज काम करने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले जो है वो ये बूट होना ज़रूरी है। अहमद भाई बूट पहन रहे हैं, इसके बाद फिर मैं ये बूट पहनूंगा और इंशाल्लाह फिर इस दलदल नुमा कीचड़। ये वाला बूट नहीं पहनेंगे, दूसरा बूट पहनेंगे, दूसरा ही बूट पहनेंगे। यार अहमद भाई, यार क्या मतलब आप? यार आपने अच्छा वाला बूट पहन लिया और मुझे आप हल्का वाला दे रहे हैं, अपने उस्ताद के साथ ऐसा कर रहे हैं। बूट पहन लिए गए, बूट जो है वो सेफ्टी के लिए पहने, क्योंकि जो हम पानी क्रॉस कर रहे हैं इसके नीचे जो है वो सीप भी हो सकती है, बाकी कोई कांच भी हो सकता है, क्योंकि जो है ये क्लिफ्टन का एरिया है, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, तो इस वजह से सेफ्टी फर्स्ट है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं और दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह जो है वो आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौका मिले कि जो है हम आपको चारा पकड़ के खिला सकें। ये आप देखें कि कितने खतरनाक तरीके से हमारा सफर हो रहा है। सो मैं आपको अपनी तस्वीर दिखा नहीं सकता वीडियो में, कीचड़ है कीचड़ है। कपड़े तो पूरे ही खराब हो चुके हैं। कपड़ों का सफर 25% कंप्लीट हो गया। अहमद भाई ये देखें किस तरीके से चल रहा है, आपको दिख रहा है अभी भी आधा सफर हुआ और आधा रहता है, हम चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहें। जिंदगी का मैंने अगर कभी सबसे मुश्किल शिकार किया तो वो आज किया, चारा निकाला है तो वो आज निकाला है। आज से पहले कभी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस और तजर्बा नहीं हुआ। अच्छा हमें व्यूअर्स केकड़ा मिला है इकबाल भाई को, और ये इकबाल भाई ने
जबरदस्त तरीके से केकड़ा पकड़ लिया। आप देख सकते हैं केकड़े ने ना इनको काटा ना इनको छुआ, ये होते हैं एक्सपर्टीज। जबरदस्त इकबाल भाई, खाने वाले हैं ना ये? चाइना में जब होता है ना। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये सारा रास्ता है, वहां हम किनारे पे खड़े थे वो जो क्रॉस करके आए, और क्या कंडीशन है पानी की और किस तरीके से चारा निकालना है। माशाल्लाह से जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, अब जो है वो चारा निकालते हैं। आगे हमारे उस्ताद इकबाल भाई हमारा वेट कर रहे हैं, तो मजीद देर किए बगैर हम उनको फॉलो करते हैं। चले इकबाल भाई आप हमें लीड कर रहे हैं, बस ख्याल रखिएगा कहीं हम लोग गिर ना जाएं। इकबाल पैर अंदर चला गया पूरा। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे जो है हमें केचुआ निकालना है। बाकी जो है मेहनत बहुत लगी है यहाँ पे आने तक, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है हम लोग रोजाना रोजाना तो केचुआ निकालने वाले हैं नहीं। तो सैल्यूट है जो केचुआ बेचते हैं और जो है उस पर फिर आप शिकार करते हैं। मैं बता नहीं सकता कि कितनी मेहनत लगती है, अगर आप मेरे साथ आते तो आपको लग पता जाता। तो भाई अब जो है वो केचुआ निकाल रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला थोड़ा सा प्रैक्टिस हम भी कर लें अगर आए यहाँ पर इतनी मेहनत करके। तो चलें आपको दिखाते हैं किस तरह से निकलेगा केचुआ। बल भी यहाँ पे एक और मारू। हाँ एक और। यहाँ कुछ सख्त आराम के ऊपर चलो हाँ भाई कैसा लगा? ये केकड़ा भी निकाला है, तो इसका कोई काम तो नहीं, लेकिन जब बड़ा होगा फिर पकड़ूंगा। चलो मतलब अब केचुआ निकालो इसमें से। आजा छोड़ दो उसको, सही है। अब दूसरा खड्डा करूँगा बस। आप करके आपने बनाना है,
तो गाइस कैसी लगी आप लोग को वीडियो? बहुत मेहनत हुई है और जो है वो आज केचुए निकाले पहली दफ़ा और आज सीखा भी है किस तरीके से निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छी लगेगी वीडियो और आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और जो भी फिशिंग का शौक रखते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो है वो बहुत मेहनत है इस काम में इकबाल भाई और उनके जो भी साथी यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और आप लोगों के लिए हमारे लिए केचुए निकालते हैं, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जो है बहुत मेहनत का काम है और जो है अगर ये लोग ना हो तो हम लोग शिकार नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को जो है वो चारा पकड़ने की आदत ही नहीं है, तो चारा पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 50 रुपये 100 रुपये का आप चारा ख़रीदते हैं तो इस पर जो है वो 1000 रुपये की मेहनत होती है जो ये लोग करते हैं, वो मैं और आप नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।